कोई को बुलावेंगे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे ए आत्मा इधर आओ। कोई समझेगा भूत प्रेत को बुलाता है तो जानते हो कि शरीर का नाम बदलता है। जैसे तुम आत्मा हो वो भी परमात्मा है। उनका असली नाम है क्या? राम नहीं, उनका असली नाम है शिव। शिव बाबा नहीं, असली नाम क्या है? शिव बाबा असली नाम नहीं है। नकली को याद करते हो है? नकली को याद करते हो या असली को याद करते हो है? असली को याद करते हो। असली का नाम क्या है? शिव बाबा असली का नाम है, है? उनका असल नाम है शिव। जब प्रवेश करते हैं करण करावनहार का पार्ट बजाते हैं तब नाम पड़ता है शिव बाबा। वो सभी आत्माओं का बाप है। क्या कहा? कितनी आत्माएं हैं? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सभी का बाप है। उनको अपना शरीर नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी अगर अपना शरीर होता, मुझे भी अपना रथ होता, जैसे तुमको अपना रथ है, जन्म जन्मांतर अपना रथ होता है, अगर मेरे को भी अपना रथ होता तो क्या अंतर पड़ता है? तुम भी स्वार्थी हो तो मैं भी स्वार्थी बन जाता, फिर दुनिया में परमार्थ कौन करता? एक शिव बाप भी है, शिव बाप ही है जिसको अपना रथ नहीं है, इसलिए सदा कल्याणकारी है, परमार्थी है। वो तुमको सदगति देता है, नहीं तो तुम्हारी सदगति कौन करता? भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करके अनेक प्रकार के चित्र बनाए दिए हैं। वो अनेक प्रकार के चित्र किस बात की यादगार है? हैं? अरे चित्र किस बात की यादगार होते? जरूर मैंने अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनेक प्रकार के कर्म किए हैं, इसलिए मुझे करमन करावन हार भी कहते हैं। जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं जिन्हें मराठी कहा जाता है वो कितना खर्चा करके गणेश का चित्र बनाते हैं। अभी ऐसा सूण वाला मनुष्य कब होता है क्या? है? होता है? उसका बाप भी कौन होगा? सूण वाला होगा। मनुष्यों का बाप मनुष्य होगा, हाथी का बाप
हाथी होगा, परंतु देखो ऐसे सुन वाले की भी कितनी पूजा करते हैं। कौन है? मराठी लोग। ये सभी अंधश्रद्धा की बातें हैं। मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है। एकदम जैसे कि जट बुद्धि हो जाते हैं। मैं आऊंगा तो मनुष्यों का उद्धार करूंगा या जानवरों का उद्धार करूंगा? है? भगवान आते हैं तो क्या देते हैं? ज्ञान। जानवर बुद्धि समझेगा, जानवर समझेगा या मनुष्य समझेगा? है? मनुष्य समझेगा। मनुष्य सुनेगा, मनुष्य मनन चिंतन मंथन करेगा, मनुष्य फैसला करेगा। ज्ञान को कर्म में लाएगा। जानवर थोड़े ही सुनेगा समझेगा और प्रैक्टिकल कर्म में लाएगा। तो सुन वाले गणेश का चित्र बनाते हैं, चित्र बनाया है तो कोई चरित्र करने वाला हुआ होगा या नहीं? अरे जरूर हुआ है। पहले नंबर का नाम बाला हो जाता है। कौन हुआ? है प्रजापिता? प्रजापिता मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं है, मनुष्य नहीं है, जानवर की औलाद है। है? अरे भगवान मनुष्य में आता है या जानवर में आता है? हाँ, भगवान तो मनुष्य में आता है। भगवान का रूप धारण करके जब आवेगा, प्रत्यक्ष होवेगा, तो मनुष्य के द्वारा होगा। जानवर के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता। तो बैल कहो, हाथी कहो, गधा कहो, ये पार्टदारी क्यों दिखाया है? हैं? बाबा तो कहते हैं हाथी रूपी महारथी, कोई घुड़सवार है, कोई हाथी रूपी महारथी है, कोई महावीर महावीरणीय है। तो महावीर महावीरणी किसका नाम हुआ? है? माउंट आबू में जावेंगे तो वहां जो सोले गांव बहुत प्रसिद्ध है, वहां वीर बाबा को बहुत मानते हैं। क्या गणेश को नहीं मानेंगे? अभी प्रैक्टिकल में भी देखा जा रहा है, वहां के बासिंदा
ब्रह्मा को मानते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मानते हैं, नहीं मानते हैं, फिर ये परंपरा कहां से पड़ गई? वहां के भीलों में कि वीर बाबा को मानेंगे, जिस वीर का नाम जैनियों में महावीर भी है, हिंदुओं में भी महावीर कहा जाता है हनुमान को, बोला हनुमान की भी बहुत पूजा करते हैं। गवर्नर ने भी कहा कि राम को वानरों की सेना मिली, तो बंदर मंदिर लायक बन गए, स्वर्ग में चले गए। दस नौ 68 की वाणी का तीसरा पेज, बच्चों ने समझाया है मेहनत करके, परंतु फिर भी कोई समझते नहीं है। ये हनुमान, ये गणेश आदि जानवरों की पूजा क्यों होने लगी? कब होने लगी? जब सतो प्रधान भक्ति थी तब नहीं हुई, जब भक्ति रजो प्रधान होती है तब जानवरों को भी भगवान के रूप में बैठ पूजने लग पड़ते हैं। कोई समझते थोड़े ही हैं। कोई कहते हैं कि जन्म कलयुग में लिया है और हम मरेंगे सतयुग में। अभी तुम तो जानते हो कि नरकवासी से अभी तुम स्वर्गवासी बनते हो, तो तुमने जन्म कहाँ लिया है, है? कहाँ जन्म लिया? अरे नरक में ही तो जन्म लिया ना। जन्म नरक में लिया, फिर मरेंगे कहाँ? कहते हैं मरेंगे स्वर्ग में। तुम बच्चे तो यहां आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। बच्चों ने समझाया ऐसे है कि पुरुषार्थ करके स्वर्ग में चलना है। कौन सा पुरुषार्थ है ऐसा, है? पुरुषार्थ है, पुरुष माने आत्मा। आत्मा के लिए जो तुम मेहनत करते हो उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। किसके अर्थ? आत्मा के अर्थ। शरीर के अर्थ जो मेहनत करते हो, पेट के लिए जो धंधा करते हो, उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ कराने वाला परम पुरुष परम पिता परमात्मा है। वो परम पिता परमात्मा सिखाते हैं
कि मैं इस रथ की प्राप्ति कराने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। इस रथ की जो भी तुम प्राप्ति करेंगे वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होती है। वो प्राप्ति ऑलरेडी नुधी हुई है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो साधु सन्यासी होते हैं वो तो उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हैं। भक्त लोग समझते हैं कि हमारे साधु ने हमारे गुरु ने ऐसा कराई दिया हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, बच्चा पैदा हो गया, धनवान बन गए। परंतु अपने कर्मों से बनते हैं या गुरु जी के कहने से बन जाते हैं? है? अपने अपने कर्मों से बनते हैं। तो भगवान बाप तो साफ बताते हैं इस जन्म में तुमको जो भी प्राप्ति करनी है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर प्राप्त होनी है। या इस लौकिक जन्म में तुमने जो कर्म किए हैं या अभी भी जो तुम लौकिक कर्म कर रहे हो उन कर्मों के आधार पर तुमको इस जन्म की प्राप्ति होनी है। बाकी मैं कहाँ के लिए पुरुषार्थ कराने आया हूँ? भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ कराता हूँ। तुम्हारी आत्मा 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति करने की अभ्यासी अभी बन रही है। तीव्र पुरुषार्थ, मध्यम पुरुषार्थ या डल पुरुषार्थी के संस्कार अभी आत्मा में भरे जा रहे हैं। ओम शांति।